हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंसुलेटर के बारे में देखा जाए तो आप लोग ने आपके घर के आजू बाजू में देखा ही होगा, जो HT लाइन LT लाइन गई होगी उसके ऊपर तार को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे इंसुलेटर लगाए रहते हैं, जैसे कि सिरामिक के रहते हैं, पॉलीमर के रहते हैं और ग्लास के भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसके ऊपर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंसुलेटर है क्या। तो इंसुलेटर जो है एक ऐसा मटेरियल रहता है कि जिसके अंदर बात करें तो उसका क्या जो आउटर ऑर्बिट जो रहता है वो उसके अंदर फुल्ली कंप्लीट रहता है, जिसकी वजह से अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं है। जहाँ पे हमारा जो कंडक्टर रहता है वहाँ पे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसके अंदर से करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो उसी के अगेंस्ट वो इंसुलेटर काम करता है। इंसुलेटर के अंदर क्या क्या आएगा, पेपर, वुड, ऐसी चीज़ें इंसुलेटर के अंदर आती है। बट हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले इंसुलेटर के बारे में बात करने वाले, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले इंसुलेटर की। तो वहाँ पे नॉर्मली 11 kV से 33 kV तक के इंसुलेटर देखने को मिलते हैं, और हम लोग को EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, हाई टेंशन, सुपर हाई टेंशन जैसी ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा किलो वोल्ट को सहन कर सके ऐसे इंसुलेटर लगाने रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसुलेटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और लंबा एक बड़ा इंसुलेटर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 220 किलो वोल्ट ऐसे हाई वोल्टेज लाइन को वो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लायक हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोग अलग अलग प्रकार के देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हम लोग इंसुलेटर को यूज़ क्यों करते हैं, तो यूज़ करने का कारण मेन यही है कि इसको जो ट्रांसमिशन लाइन में वायर गए रहते हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग को मैकेनिकल सपोर्ट देना रहता है, क्योंकि वो जो उसका ट्रांसमिशन टावर का जो आर्म रहता है और वायर रहता है उसको बीच में हमको गैप भी रखना है और उसको सपोर्ट भी देना है ताकि उसके ऊपर वो ट्रांसमिशन टावर के ऊपर लटका रहे। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आर्म से उसको बांध देंगे तो क्या होगा, अपना जो वायर है वो ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना ट्रांसमिट पावर को ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को आर्म और वायर के बीच में गैप भी रखना है, जो जिसके कारण हम लोग वहाँ पे इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। तो इंसुलेटर क्या करता है, वहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट होने से उसको बचाता है, और 220 किलो वोल्ट की लाइन, जैसे हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, तो सभी प्रकार की लाइन में हम लोग अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग एक एक देखते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंसुलेटर की बात करें तो सब स्टेशन में भी यूज़ होते हैं इंसुलेटर्स, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को साथ में देखते जाते हैं और एक एक का एग्जाम्पल लेके क्लियर करते जाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकल टाइप इंसुलेटर, उसके बाद देखने वाले स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टे टाइप इंसुलेटर, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोस्ट टाइप इंसुलेटर और कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर। ओके फ्रेंड, तो वन बाय वन हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में। तो फ्रेंड, पिन टाइप इंसुलेटर जो है यहाँ पे डिस्क टाइप का रहता है, फोटो यहाँ पे देख सकते हो, उसके अंदर 11 kV से हम लोग 33 kV तक को उसको यूज़ करते हैं, और वो जो है सीधी सीधी लाइन जाने वाली रहती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सीधी सीधी जाती है, उसके अंदर यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हो। तो उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर लेते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, डिस्क टाइप इंसुलेटर जो रहता है उसका सीरीज़ में रहता है, और यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हो एक डिस्क जो रहती है 11 kV की रहती है, और जैसे हमारा डिस्क जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे हमारा किलो वोल्ट बढ़ता जाता है। तो हमने वो सब चीज़ें अगली हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बोल दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर दिखेगा आपको आई बटन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे डिस्क हमारी बढ़ती जाती है, मान लो 6 डिस्क इंसुलेटर है तो वहाँ पे वो 66 किलो वोल्ट की लाइन है, ऐसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कितने किलो वोल्ट की लाइन है। तो फ्रेंड्स, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यहाँ पे आप लोग फोटो में देख के समझ गए होंगे कि इसको याद रखना है आपको कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो है वो ट्रांसमिशन में ज़्यादा हम लोग को यूज़ होते हुए देखते हुए मिलता है, ये आपको याद रखना है ताकि उसको आपको जितने भी प्रकार है वो
वन बाय वन प्रैक्टिकली याद रहे, ना कि ऐसे आप लोग रट्टा मार के याद रखो कि इतने प्रकार के इंसुलेटर है, ये वो है। तो इसके पिक्चर्स के यहाँ पे लगे रहेंगे, तो इसके हिसाब से याद रखो कि वो कौन से इंसुलेटर कहाँ पे यूज़ हो रहे, तो उसको आपको वन बाय वन अपने आप को मेमोराइज होता जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंशन टाइप का हम लोग बात किया, वैसे ही जो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है वो जो है कुछ एक डिग्री में एंगल में, हम ट्रांसमिशन टावर जो है कुछ एंगल में वायर बेंड मतलब आगे टर्न होने वाला रहता है, तो वैसे जगह में सस्पेंशन टाइप को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह मदद से हम लोग टावर को किसी मोड पे यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका आप फोटो में देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सीरीज में लगे रहते हैं। जैसे 66 kV की लाइन होगी तो उसमें भी 6 ही लगे रहेंगे, और उसमें भी स्ट्रेन टाइप में भी 6 ही लगे और सस्पेंशन टाइप में भी 6 ही लगने वाले हैं, तो उसमें दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेन टाइप को हम लोग मोड पर यूज़ करते हैं, और जबकि सस्पेंशन टाइप नॉर्मली सीधी लाइन गई रहती है वहाँ पर आर्म में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं, सेकल टाइप इंसुलेटर। सेकल टाइप इंसुलेटर हमारा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, और यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हो, तो जहाँ अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड होने वाला है वहाँ पे एंड पे वो लगा के तार को बांध देता है, जिसकी वजह से तार को वहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और वो तार सही से वहाँ पर अटक जाता है। तो यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि सेकल टाइप इंसुलेटर क्या है। तो ये बेसिक बेसिक इंसुलेटर है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से फ़ोटो को देख के याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट टाइप इंसुलेटर के बारे में। तो फ्रेंड, पोस्ट टाइप इंसुलेटर जो है कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि सीटी पीटी हमारे बड़े बड़े सब स्टेशन में, आपको फोटो में भी देखा होगा, शायद आप प्रैक्टिकली गए हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे सीटी पीटी को रखने के लिए वहाँ पे पोस्ट टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हो। मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उसको वहाँ पे 220 kV लाइन, ऐसी बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज की, सुपर हाई वोल्टेज की लाइन्स रहती है, वहाँ पे हम लोग को सी टी पी टी को सपोर्ट देना है और ऊपर से ग्राउंड फॉल्ट होने से भी बचाना, तो वहाँ पे ऐसे पोस्ट टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, इसका भी आप लोग को यहाँ पे फोटो मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग उसको मेमोराइज आराम से कर पाओगे। फ्रेंड, यहाँ पे अपना नेक्स्ट टाइप जो आएगा स्टे टाइप इंसुलेटर। स्टे टाइप इंसुलेटर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पोल गया रहता है वहाँ पे, यहाँ पे फोटो में देख लो, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वहाँ पे हम लोग पोल जो रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए स्टे गाय वायर लगाते हैं। गाय वायर का भी आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इसको गाय वायर बोलते हैं। तो गाय वायर को सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, पोल को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए लगाया रहता है। तो जहाँ पे नॉर्मली वो वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, जब भी पोल पे कुछ फॉल्ट होता है ऐसे कंडीशन में ही वहाँ पे करंट आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो करंट है वो नीचे किसी ने हाथ लगाया रहता है गाय वायर को, तो उसको करंट ना लगे, इसकी वजह से वहाँ पे हम लोग स्टे इंसुलेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टे इंसुलेटर का पिक्चर, और उसको देख के आप लोग आराम से याद रख सकते हो। तो चलिए अगले पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लास्ट एक बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हमने अपनी लिस्ट में नहीं लिया था, पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जहाँ पे ट्रेन का जो 25 kV पे ट्रांसमिशन होता है, ट्रेन के ऊपर जो वायर गया रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए ज़्यादातर यूज़ में आता है वो, तो उसको हम लोग लाइन पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये सब अपने डिप्लोमा की या फिर बीटेक कर रहे हो तो सिलेबस में शायद नहीं भी हो सकता है, पर अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए हम लोग को बाहर से अपना खुद रिसर्च करके सब जानना रहता है। तो ये हम लोग आगे कुछ आया मतलब नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में पूरा ना रहता है तो उसमें हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसमें बताया तो उसमें दो तीन टाइप्स के इंसुलेटर बुक्स में नहीं होंगे, तो आप लोग खुद से ऐसे यूट्यूब से और गूगल से सर्च करके जान सकते हो। कुछ नए नए टाइप प्रकार के इंसुलेटर भी अभी आ चुके हैं। तो लाइन पोस्ट इंसुलेटर जो है ट्रेन में यूज़ होता है, जहाँ पे वो क्रॉस में लगाया रहता है और वो तार को ऊपर से भेजा गया रहता है। तो यहाँ पे इसका लास्ट पिक्चर देख सकते हो, उससे आप लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।